वरे वजीर सैद मादिल शाह चयो है आवाम पीपीए से गड हुकूमत खिलाफ रस्तन से निकरी आयो है। सरकार के घर भेड़ो कदासी हैदराबाद में जलसे के खिताब कंदे वरे वजीर सैद मादिल शाह चयो तो वजीर आजम इमरान खान चाहे तो मुल्क में महंगाई ना है। गुजरल डी वजीर आजम जो हारन के तमाम घना पैसा दिना ये अमीर थी वया इहा भी बेहिसी की हद है। उन जरदारी साहब जो दौर में कणक 600 मां 950 रुपया मण कई वही पर हाँ 1300 वाले भाण की बोरी 3000 रुपया थी वही है। वे वजीर सैद मादिल शाह चो त पीटीआई सरकार आवाम खां जीण जो हक खसे छो है। इमरान मकामी आबादगारन खां कणक खरीद करे एक्सपोर्ट कन था। खोट में वरी परदेह मां कणक घुराइन था। संदस चवण हो वफाकी वजीर चाहे तो सिंध मां भाण अफगानिस्तान वने पो। इल्जाम लगाईदड़ पीटीआई वजीरन के इहा भी खबर ना है त सिंध ए अफगानिस्तान जो सरहदू नथी मिलन। वे वजीर सैद मादिल शाह चो त आवाम पीपल्स पार्टी से गड हुकूमत खिलाफ रस्ते से निकरी आयो है। हुकूमत के घर भेड़ो कंदासी वजीर आजम कहता है कि हमने किसानों को बहुत पैसे दिए हैं, क्या आप लोग और किसान अमीर हो गए? ये बेइज्जती की हालत है कि गुर्बत में लोगों में एक वक्त का खाना नहीं मिलता और वो कहता है कि जी यहाँ महंगाई नहीं है, यहाँ पे हमने रूरल इकोनॉमी में बहुत पैसे दिए, सिंध से पैदा होने वाली गैस सस्ती यूरिया देता है, इतनी सस्ती भी नहीं है, बाकी मुल्कों से महंगी है, लेकिन अब तो जो 1300-1400 रुपए में यूरिया मिलनी चाहिए थी वो 3000 से ऊपर हो गई है। और इनका एक वजीर कहता है कि ये सिंध से यूरिया स्मगल होके अफगानिस्तान जा रही है। वो इस अकल के अंधों को ये पता नहीं, लेकिन मेरे इस उस बेवकूफ वजीर का कोई कसूर नहीं है। उसका जो प्राइम मिनिस्टर है, जब वो जापान और जर्मनी की सरहद मिला सकता है तो सिंध और अफगानिस्तान को उसका छोटा मिला दे तो क्या मसला है? वफाकी हुकूमत ये इमरान खान नियाजी ये कभी नहीं चाहता कि उसके लोग चैन की नींद सोए, और इसी वजह से अभी ये यूरिया का बहरान पैदा करके हमारी गंदम की फसल को नुकसान दे रहा है। और मकसद यही है कि किसान की फसल कम हो, वो औने पौने उसे खरीदे और फिर इंपोर्ट करे महंगे दामों में और अपनी जेबें भरे।